अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल टू टाइप शरबत, एक है मुजीतो, एक वाटरमेलन शरबत। बिल्कुल यमी सा टेस्टी क्विक रेसिपी है, सिंपल रेसिपी, आप रमज़ान में इसको प्लीज़ ट्राई करें। सिंपल एंड क्विक रेसिपी। तो वाटरमेलन लिया है पहले मैंने, और यहाँ पर 2 चम्मच सब्जी के बीज को आधी कटोरी पानी में सोख होने रख दिया 10 मिनट। यहाँ देखिए पुदीने की पत्तियाँ जो ख़राब थी वो निकाल दिया, और बाकी जो बचे कट करके वॉश करके मैंने बारीक कट किया। और यहाँ मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, आप काला नमक भी ले सकते हैं। यहाँ चाशनी बना के मैंने पहले से ही फ्रिज में रख दिया था ठंडा। देखिए मैंने वाटरमेलन को रफली कट करके यहाँ पर बाउल में ले लिया है। अब मैंने इसमें नींबू के छोटे छोटे क्यूब्स भी कट करके उसमें डाल दिए हैं। यहाँ मैंने पुदीने की पत्तियाँ जो बारीक कटी हुई थी वो भी डाल दिया। यहाँ गाइस मैंने एक नींबू को आधा करके यहाँ छोटे छोटे क्यूब्स करके इसमें डाला क्रश करने के लिए, और आधा मैंने ये जार में डाल दिया। तो चलिए इसको पहले जल्दी से हम इसको अच्छे से मुजीतो के लिए इसको क्रश कर लेंगे बिल्कुल अच्छा बढ़िया से। तो यहाँ मैं देखिए ये ले रही हूँ, ये आप जिससे भी क्रश कर सकते हैं उससे आप कर सकते हैं। देखिए मैं इससे कर रही हूँ, इससे इजीली क्रश हो जा रहा है बिल्कुल अच्छे से, नींबू का जूस वगैरह सब अच्छे से क्रश हो जाए। तो देखिए हमारा ये क्रश हो गया बिल्कुल बढ़िया से। अब हमने इसमें जो नींबू के जो छिलके रह गए हैं उसको निकाल देना है, ठीक है? सारे फटाफट से निकाल लेते हैं। और इसमें हम सब्ज़ी की जो सब्ज़ियाँ हमने भिगा के रखा था वो 4 चम्मच इतना ऐड कर देंगे, 2, 3, 4, उसको 4 चम्मच जितना मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं चाशनी 6 चम्मच जितना डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आपको जितना लगता है। सॉल्ट और शक्कर का जो ये चाशनी है आप अपने हिसाब से ऐड करें इसमें। अब इसको मैं ये जार में डाल दूँगी कि मैंने जार में सारा इसको डाल दिया। अब यहाँ क्रश किए हुए आइस में डालना है इसमें, आप चाहे तो जमा के जो क्यूब्स जैसे होते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ क्रश करके डाल दिया, बड़ा बर्फ़ था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ठंडा ठंडा सा बिल्कुल भी। आपके पेट को ये ठंडा रखेगा, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होने देगा, ये है बहुत ही हेल्दी भी होता है टेस्टी भी। तो यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग ठंडा पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए अब हमारा मुजीतो रेडी है बिल्कुल यमी सा ठंडा ठंडा सा। अब हमने नेक्स्ट वाला शरबत बनाना है, उसके लिए मैंने बाउल में छोटे छोटे कलिंगर के पीस करके रख लिए। आप देखिए मैं अभी बना रही हूँ ऐसे बताने के लिए रेसिपी आपको, तो इसमें बना रही हूँ। आप रमज़ान में बनाएं तो बड़े पतीले में ऐसे ही बनता है भाई घर में, तो आप वैसे ही बनाएं। यहाँ मैंने वाटरमेलन में कलिंगर में सिर्फ पहले दूध ऐड किया है 1 कप इतना दूध, उसके बाद चाशनी ऐड की, अपने अकॉर्डिंग आप चाशनी भी ऐड करें। उसके बाद यहाँ सब्ज़ी की बीज ऐड कर रही हूँ, देखिए 4 से 5, 6 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद गाइस अच्छे से हमने इसको मिक्स करा, उसके बाद हमने इसमें बर्फ़ डाल दिया और इसमें 3 चम्मच इतना रूह अफ़ज़ा से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी आपको फालूदा, अगर आपको पसंद है तो फालूदा जैसा टेस्ट देगा बिल्कुल भी यमी सा। तो यहाँ देखिए मैंने ग्लास में थोड़ा सी रूह अफ़ज़ा को अच्छे से पोर कर लिया साइड साइड से, और फिर मैं इसमें शरबत डाल दी। तो देखिए कितना यमी सा ठंडा ठंडा शरबत रेडी है हमारा, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ट्राई करें, रमज़ान में स्पेशली बना कर पिए। और गाइस अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप 3 दिनों में भी प्लीज़ इसको बना कर पिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।